हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए खास अपडेट। जैसे कि दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो में जानेंगे कैसे करें बिना कोचिंग के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, जानिए इस वीडियो में। तो ये चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। जैसे ही जान लेते हैं कैसे बिना कोचिंग के कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी। जैसे कि दोस्तों आज का युग प्रतियोगी युग है, इसलिए कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें कड़ी मेहनत, लगन और अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करनी होती है। इसके बाद ही हम परीक्षा को सफल बना सकते हैं। आज जिस प्रकार प्रत्येक युवा कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है और इसी तरह से सभी लोग सफलता हासिल करने की दौड़ में लगे हुए हैं। इस दौड़ में जो लोग कठिन परिश्रम और लगन से तैयारी करते हैं वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जो नहीं करते हैं वो इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं, उन्हें असफलता ही प्राप्त होती है। वहीं आगे आता है आत्मविश्वास है जरूरी। जी हाँ, किसी भी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास होना बहुत ही आवश्यक होता है। जब बात आ जाए बिना कोचिंग के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो इसकी भूमिका और भी अहम हो जाती है। इसलिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते समय अपने अंदर आत्मविश्वास की कभी कमी ना होने दें। आपके मन में विश्वास बनाकर रखें कि आप कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करते समय आवश्यक सफलता प्राप्त करेंगे। जैसा कि बता दें, आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें बीच बीच में मोटिवेशन होते रहना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए परिवार के सदस्यों, मोटिवेशनल बुक्स तथा किसी पथ प्रदर्शक की सहायता से अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। इस तरह कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हेतु स्वयं पर पूर्ण आत्मविश्वास होना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आगे आता है समय सारणी है जरूरी। यदि आप बिना कोचिंग के माध्यम से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए समय सारणी का प्रयोग लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जी हाँ, समय सारणी का प्रयोग करने से आपको कोई भी विषय पेंडिंग नहीं रहेगा। इसका प्रयोग करने से आप सभी विषयों को जरूरी समय दे सकेंगे। इस तरह आपका सभी विषयों पर फोकस भी बना रहेगा। इस तरह से बिना कोचिंग के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने हेतु समय सारणी का अहम भूमिका होता है। जैसे कि समय सारणी का प्रयोग कुछ इस प्रकार करते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस जैसे विषयों की तैयारी आप बेसिक रूप से कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में ग्रामर, हिंदी में व्याकरण, साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स में टेबल्स और बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे एड सब्ट्रैक्शन, एड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन जैसे टॉपिक को तैयार करना चाहिए, जैसे आपको आगे की टॉपिक को समझने में आसानी होगी। परीक्षा में अधिकतर प्रश्न इन्हीं बेसिक टॉपिक से संबंधित पूछे जाते हैं। सो गाइस, जैसा कि आखिर में आता है एग्जाम समय में ध्यान दे योग्य बातें। जी हाँ, एग्जाम समय पास आ जाने पर पुराने प्रश्न पत्रों को हल करें, जिसका लाभ आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। एग्जाम की कमियों को देखें, दिए गए समय में प्रश्न पत्र को हल करें, जिससे आपके अंदर प्रश्न पत्र को हल करने में गति प्राप्त होगी। परीक्षा हॉल में समय प्रबंध का विशेष महत्व होता है, इसलिए परीक्षा देने से पूर्व की समय प्रबंध बना ले और ये निश्चित कर ले कि आपको किस खंड में कितना समय देना है। सभी खंडों में समय प्रबंध के अनुसार ही समय दें। किसी भी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग से बचने, किसी परीक्षा में नेगेटिव मार्क से बचना सबसे मुख्य होता है, इसलिए गलत प्रश्न ना करें, सभी प्रश्नों के सही उत्तर दें। जैसा कि दोस्तों अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली ऐसी अपडेट से वाकिफ रहने के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, हमें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।